पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ अमेरिका में क्रिकेट फैन से भिड़ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हारिस रऊफ फैन को चिल्लाकर कह रहे हैं कि ये इंडियन होगा। इतना ही नहीं, उस फैन को मारने के लिए भी दौड़ते हैं और वहां पर मौजूद लोग अगर हारिस को नहीं रोकते तो मामला मारपीट पर आ जाता। अब इस वीडियो को वायरल होने के बाद हारिस रऊफ सोशल मीडिया पर सफाई देते फिर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग हमारा समर्थन करें, आलोचना करें, लेकिन अगर बात फैमिली और पेरेंट्स पर आएगी तो मैं जवाब देने से नहीं हिचकूंगा। क्या कहा उन्होंने पूरा और क्या है ये पूरा मामला, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल टी20 विश्व कप 2024 से पाकिस्तान की टीम तो वैसे भी बाहर हो गई है और अब टीम के बाहर होने के बाद कुछ खिलाड़ी अभी अमेरिका में रुके हुए हैं और ये वीडियो जो है वो अमेरिका के एक होटल के बाहर का है जहां हारिस अपनी पत्नी के साथ होटल के बाहर टहल रहे हैं। इसी दौरान कुछ फैन ने कमेंट पास किया और हारिस रऊफ को उस कमेंट का इतना बुरा लगा कि वो दौड़कर फैन को मारने के लिए पहुंच गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फैन को पहले वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद हाथ में मोबाइल होता है उसको फेंक देते हैं, चप्पल फेंक कर दौड़ते हैं उस फैन को मारने के लिए। इस वीडियो में हारिस की पत्नी मुजना मसूद मलिक उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, तब भी रऊफ उनका हाथ छुड़ाकर फैन से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। रऊफ ने कहा कि ये जरूर इंडियन होगा। इस पर फैन का जवाब आता है, नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने हारिस को रोकने की कोशिश की लेकिन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से बहस होने लगी। हालांकि जिस फैन ने कमेंट पास किया था उस तक हारिस पहुंच नहीं पाए वरना मामला और भी गंभीर हो सकता था। जब फैन ने कहा कि वो पाकिस्तानी है तो हारिस रऊफ और भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने पिता को भी गाली देते हो, पाकिस्तानी हो और तुम्हारे पिता ने यही सब सिखाया है, क्या इसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसके बाद जब ये मामला वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर रऊफ अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, मैं ये बात सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहता था लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मुझे लग रहा है कि स्थिति को स्पष्ट करना जरूरी है। पब्लिक फिगर होने के नाते मैं जनता की हर तरह की बातें सुनने के लिए तैयार हूं। आप करिए हमारी आलोचना, आप हमारा सपोर्ट करिए, ये सब हम सुनेंगे, लेकिन जब बात पेरेंट्स और फैमिली पर आएगी तो मैं माकूल जवाब देने से नहीं हिचकूंगा। ये वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और पाक क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने भी रऊफ के सपोर्ट में ट्वीट किया है। हालांकि इस मामले की जड़ जो है उसकी जांच पीसीबी क्रिकेट कर रही है और रिक्वेस्ट की है कि फैन ने जो अगर भद्दे कमेंट पास किए हैं तो रऊफ से माफी मांगे क्योंकि ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ये फैन का बर्ताव स्वीकार नहीं है तो फिर जो बर्ताव हारिस रऊफ ने किया ये कहां पर स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि हिंसा किसी भी सवाल का हल नहीं होता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।